हेलो फ्रेंड, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसमें सेल्फ स्टार्ट ज़रूर होगा। अगर सेल्फ स्टार्ट होगा तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं सेल्फ स्टार्ट को कैसे रिपेयर करते हैं और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेल्फ स्टार्ट है, ये आईसर इंजन का है, तो इसको खोलते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर का ढक्कन खोल लिया है, जो ये रॉकर के ऊपर लगा हुआ था ढक्कन, इसको खोल लिया है। अब इसके धीरे धीरे करके सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकालते हैं। ये सोलेनाइड डिब्बी है, जो सोलेनाइड स्विच भी कहा जाता है इसको। ये पूरा आर्मेचर है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, और पीछे के हिस्से में राड लगी होती है। अब ये सोलेनोइड स्विच को ओपन करते हैं, इस डिब्बी को खोलते हैं, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है इसमें। ये अपना सही से वर्क नहीं कर रही है, सही से चलती नहीं है, सेल्फ स्टार्ट नहीं कर रही है। तो इसके नट खोल लेते हैं, पीछे जो दो नट लगे हुए होते हैं, ये देखो पिस्टन भी बाहर आ गई है। ये जो नट खोल रहे हैं ये फ्रॉक एडजस्टिंग बोल्ट होता है, ये इसको खोल लिया है। अब ये हाउसिंग को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि कहीं इसका बुश तो नहीं कटा है। तो ये काफ़ी प्ले है, तो इसका बुश डिस्टर्ब है और ये सेंट्रल प्लेट का भी बुश ख़राब है, और ऊपर के ये ढक्कन का ये लगता है तीनों बुश ख़राब है इसके। तो अब इसके बुश चेंज करने पड़ेंगे। अब इस सोलेनाइड स्विच को भी चेक कर लेते हैं कि ये अपना सही से वर्क करती है कि नहीं करती है। इसके नट को खोल के चेक करते हैं इसको। इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके चेक होगा ये कि अगर ये पिस्टन को बाहर फेंक रही है फिर तो सही है, और अगर ये कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें तो समझो कि ये ख़राब है। और इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। तो इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये अंदर से डिस्टर्ब है, ये शॉर्ट हो चुकी है, ये पूरी तरह से डेड है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शायद इसको अब बदलना पड़ेगा। अब हम इसको बदलेंगे। तो ये नया सोलेनोइड स्विच है, अब इसको डालेंगे इसमें। इस सेल्फ की मोटर में यही प्रॉब्लम है, देखो ये कितना बढ़िया काम कर रहा है, चीज़ें सही है, ये पिस्टन को बाहर भी फेंक रहा है। अब इसमें बुश लगा देते हैं, तीनों प्ले थे बुश, उन तीनों को लगा देते हैं। इसके बाद में फिर इसको वॉशिंग करेंगे, सभी को पेट्रोल से सही तरह से वॉश करना पड़ता है। ये हाउसिंग का बुश डाल रहे, इसके बाद में सेंटर प्लेट का भी डालना पड़ेगा, और जिधर रोकर लगता है वहाँ के ढक्कन में भी, रोकर कैप ढक्कन का भी चेंज करना पड़ेगा बुश। तो हम ये तीनों बुश चेंज कर देते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि हम इसको वॉश कर रहे हैं, ये आर्मेचर को साफ़ किया जा रहा है, पेट्रोल से धोया जाता है इसको। इसकी जो ये सेल्फ की मोटर है, सेल्फ स्टार्ट की मोटर है, इसको पूरी तरह से रिपेयर करके दिखाएंगे आज आपको। इसको साफ़ करके सुखाना भी ज़रूरी होता है, ये जब पूरी तरह सूख जाए इसके बाद में इसको सेट किया जाता है। ये सेंटर प्लेट है, इसको भी वॉश कर लेते हैं। ये फील्ड कॉइल बॉडी है, इसको भी साफ करते हैं पेट्रोल से, सही तरीके से साफ करना पड़ता है इसमें। इसमें दो आपको कार्बन ब्रश भी नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों इसके सारे कंपोनेंट्स को सही तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बैंडेक्स है, इसको भी साफ कर लिया है। जब भी आप सेट करें इसको तो इसमें ग्रीस का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इसमें बुश लगे होते हैं, बुश में या फिर आप पे इसमें मोवियाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये लॉक लगा रहे हैं, इसको पिनियन लॉक बोला जाता है, इसको लगाना ज़रूरी होता है। ये पिनियन लॉक अब सेट हो चुका है अपनी जगह पे। दोस्तों इसी तरह की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेकन एस के इलेक्ट्रिक को। आपको इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई ढेर सारी वीडियो मिलेंगी इसमें, और हमें कमेंट करके ज़रूर सुझाव दें कि आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएँगे। अभी हाउसिंग को सेट कर दिया है इसमें, अब ऊपर के सारे हिस्सों को एक एक करके सेट कर देंगे। अगर नए बुश बदले हैं तो उसको फ्री करना ज़रूरी है कि कहीं फंसे ना। अब ये फील्ड कॉइल बॉडी को इसमें फिट कर देंगे। जो आपको ये ऊपर का पीला पीला हिस्सा नज़र आ रहा है इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, ये भी आपको रिपेयर करते समय ध्यान से देखना है कि कहीं ये कटा तो नहीं है, नहीं तो इसको रिपेयर कराया जाता है, आर्मेचर पूरा चेंज कराया जाता है। अब इसको रोकर को लगा दिया उसमें,
रिले को। अब ऊपर से रॉकर कैप का ढक्कन लगा देंगे ऊपर से। ये वॉशर जरूर ध्यान से सेट कर लें। अब दोनों नट लगा देते हैं। इसके बाद में सोलेनोइड स्विच को सेट कर देंगे इसमें। इसके बाद चेक करके दिखाएंगे आपको किस तरह से काम करता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो किस तरह का लगा। अगर आपके कोई मन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपको इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलते रहेंगे इलेक्ट्रिक से संबंधित। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये पिस्टन लगा दी उसमें। इसके बाद में सोलेनोइड स्विच को भी सेट करके अब आपको चला के दिखाते हैं, इसको चेक करते हैं। इसके बाद में आपको इंजन में लगा के दिखाएंगे किस तरह से अपना वर्क करता है, किस तरह से चलता है। ये देखो काम कर रहा है। ये पूरी तरह से सही तरीके से वर्क कर रहा है। अभी पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी रिपेयरिंग सेल्फ स्टार्टर मोटर की, आपने देखी है। अब इसको हम इंजन में सेट करेंगे, फिर आपको चला के दिखाते हैं कि किस तरह से ये चलता है, किस तरह से सेट करते हैं इसको। ये पूरा रेडी हो गया है। तो ये सेल्फ हर तरह की गाड़ियों में लगता है, चाहे आपकी कार हो, ट्रैक्टर हो, या इंजन हो, कोई भी हो। अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमने इंजन में सेट कर दिया। ये अपना वर्क कर रही है। ये एक चाबी में स्टार्ट कर देता है आइसर इंजन को। तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरह से सेल्फ स्टार्टर मोटर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।